अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जिसका आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के, एक्सए 4.4 के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 72 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ, इसके अंदर हमारे पास ये जो पोर्शन है स्केचिंग फ्रॉम ग्राफ्स ऑफ वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम, इसके अंदर हम लोग आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75 एंड क्वेश्चन नंबर 76 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो अभी तक आप इनसे सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर ताकि नेक्स्ट समय जब भी लेक्चर अपलोड करता हूं आपको फॉर यूज़ का नोटिफिकेशन मिल सके विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लाइट चली गई है इसलिए आपने गुजारा करना है, मैं कोशिश करूंगा इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज कर दूंगा, आप क्लियर नजर आएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 73 से। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली उसने हमें पूछा क्या हुआ है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि स्केचिंग वाई फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम। स्केचिंग वाई का मतलब है कि आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना है, आपको उसने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का और इसके सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पे जो ग्राफ नजर आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन 73 की बात करें तो यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू लाइन यहाँ पे लगाई है, ये इसके कोई भी जो आपके पास फंक्शन है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है। फंक्शन है उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर उसने उसका आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया। उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है वो ये ब्लू लाइन वाला है, और ये जो ब्लैक लाइन वाला ये इसके सेकंड डेरिवेटिव का वाई डबल प्राइम का ग्राफ है। इसी तरह से ये पॉइंट पी उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोनों को समझ के, आप लोगों ने समझना कि इसका क्या बिहेवियर है। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव से आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेकआउट कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से आप जो है उसके लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड डेरिवेटिव से आप उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब वो चेकआउट कर सकते हैं, कनकेव आप कनकेविटी चेकआउट कर सकते हैं, कनकेव आप कहाँ पे हो रहा है, कनकेव डाउन कहाँ पे हो रहा है। तो ये इन चीजों से हम ऑब्जर्व करके इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका ग्राफ हम बनाएंगे जो पॉइंट पी से गुजरेगा। ये उसने यहाँ बोला हुआ है कि एक्सरसाइज 73 से 76 तक शोज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन है वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ग्राफ यहाँ पे उसने आपको दिया हुआ है। कॉपी द पिक्चर एंड एड इट टू अ स्केच ऑफ द अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कहता है इन चीज इसको कॉपी करें और इसको समझें, इसको समझने के बाद इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है जो फंक्शन एफ है उसका ग्राफ बनाए कि कैसा होगा, उसका ग्राफ किस तरह होगा। गिवन दैट द ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट पी, और ये जो ग्राफ आपने बनाना है वो पॉइंट पी से गुजरना चाहिए। उसने पॉइंट पी यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉइंट पी दिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉइंट पी दिया हुआ है। आपने इसका बिहेवियर को समझ के आपने इसका ग्राफ बनाना जो कि पॉइंट पी से गुजरेगा। सिंपल है, इसी क्वेश्चन नंबर 73 करता हूँ, आपको सारी सारी समझ आ जाएगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में वही आप क्या कह रहे हैं। देखिए जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 73 के आपको आपके पास ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसका बिहेवियर हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखें जी ओरिजिन के ऊपर, ये आपके पास पता है कि ओरिजिन ये जीरो होता है, ये पॉइंट है कि आपके पास एक आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट शो कर रहा है आपको। अब यहाँ पे देखें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर यहां से लेके पीछे, क्योंकि ये आपके पास जो ऊपर की तरफ है ग्राफ, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे जो इसका बिहेवियर पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी चेक करवा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी चेक करवा दूं वाई प्राइम इक्वल टू, पहले आपके पास पॉजिटिव है, पहले इसका बिहेवियर जो है वो इस लाइन से, इस ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, इट मीन्स कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव है, उसके बाद फिर नीचे आ चुका है, इससे नीचे आ चुका है। नीचे आपको पता है कि नीचे की तरफ आपके पास ये जो वाई एक्सिस है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि जब नीचे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। पहले पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, उसके बाद फिर आपके पास ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि फिर आपके पास पॉजिटिव आ चुका है। ये बिहेवियर यहाँ पे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का बिहेवियर, पहले पॉजिटिव है फिर नीचे है, लाइन से नीचे है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर पॉजिटिव फिर इंक्रीज हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जब आपके पास जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह का बिहेवियर इस ग्राफ का बनेगा। जो भी हमने यहाँ पे ग्राफ रखा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है जी इसका लोकल मैक्सिमम, ये है इसका लोकल मिनिमम। ये तो हमने इसके वाई प्राइम की बात कर ली, अब हम इसके वाई डबल प्राइम की बात करते हैं। वाई डबल प्राइम इक्वल टू वाई डबल प्राइम के ऊपर आप लोग चेक करें, ये सीधी लाइन उसने आपको यहाँ पे दी हुई है, इस पॉइंट से पीछे नीचे ग्राफ नीचे, इट मींस के पहले आपके पास नेगेटिव में है। पहले नेगेटिव का मतलब क्या होता है जी, पहले नेगेटिव है उसके बाद फिर इस पॉइंट से ऊपर है, इट मींस के ये आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। इट मींस के पहले आपके पास कनकेव डाउन है, पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कनकेव डाउन होगा, उसके बाद फिर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास क्या होगा, कनकेव अप होगा।
ठीक है जी, ये चीजें आप लोगों ने अपने जहन में रख के यहाँ पे ग्राफ बना देना, पॉइंट पी से गुजरना चाहिए। सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास है सबसे पहले लोकल मैक्सिमम। इस पॉइंट के सामने आप लोग जो है वो कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगा लें। आप लोगों ने ये भी देखना कि कनकेव डाउन हो रहा है। कनकेव डाउन इस तरह से होता है जहां पे पॉइंट ऊपर तक ग्राफ नीचे होता है, कुछ इस फॉर्म में बनेगा, कुछ इस फॉर्म में। ये जी आपके पास पॉइंट, ये इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट है जहां पे आपके पास जो है वो लोकल मैक्सिमम है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ इस फॉर्म में ग्राफ बन रहा है, तो इस फॉर्म में ग्राफ बना दे। यहाँ पे भी आप लोग इसको कुछ इस फॉर्म में कर दें जी। ये देखें जी, ये जी आपके पास इस पॉइंट के सामने वैसे आना चाहिए था। इसको हम थोड़ा सा जो क्लियर कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ये जो आपके पास यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये इस पॉइंट के सामने आना चाहिए। तो ये देखें जी आपके पास कुछ इस फॉर्म में ये बनने जा रहा है। यहां पे लेके इसको इस तरह कर दीजिए, ठीक है जी। ये जी आपके पास पॉइंट के सामने ये पॉइंट, यहां पे आपके पास क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, पॉइंट पी में से गुजर रहा है, ये आपके पास लोकल मिनिमम। ये जो पॉइंट भी है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्यों, क्योंकि इससे पीछे आपके पास जो कनकेव डाउन है, इसके बाद कनकेव अप हो रहा है। यहाँ पे भी हमने जो बिहेवियर चेक किया था उसके अकॉर्डिंग भी पहले कनकेव डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है। पहले कनकेव डाउन हो रहा है, कनकेविटी क्या होती है, कनकेव डाउन कनकेव अप क्या होता है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, सारी डिटेल्स लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पे आई बटन पे भी मैंने दिया हुआ। तो ये सारी चीजें मैं पहले क्वेश्चन 73 पे ज्यादा जो है एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले हमने वाई प्राइम का बिहेवियर चेक किया, इसमें पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव था, यानी कि पहले आपके पास लोकल मैक्सिमम फिर लोकल, इस तरह का ग्राफ बना। तो देखिए इसी तरह का हमारे पास ग्राफ बना है। डबल प्राइम हमने चेक किया कि कनकेव डाउन कहां पे हो रहा है, कनकेव अप कहां पे हो रहा है। पहले ग्राफ नेगेटिव में कनकेव डाउन है, फिर जीरो से ऊपर है, फिर पॉजिटिव है, फिर कनकेव अप है। तो ये देखिए पहले डाउन है फिर आप पूरा। ये था क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करें, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 74 की। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 74 की बात करें, इसमें आप लोग यहां पे इसका बिहेवियर चेक करें। पहले वाई प्राइम का और वाई डबल प्राइम का बिहेवियर आप लोग इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं वाई प्राइम के बिहेवियर की यहां पर बात करूं, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूं, तो पहले यदि यहां पर देखें, ये आपके पास ये जीरो है जी, ओरिजिन है। पहले इससे ग्राफ जो है वो नीचे है, इस पॉइंट से पहले ग्राफ आपके पास नीचे है, यानी कि पहले नेगेटिव है। पहले जो आपके पास नेगेटिव फॉर्म में, उसके बाद फिर ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, फिर पॉजिटिव फॉर्म में है, इसके बाद फिर जो है वो इस पॉइंट से, इस लाइन से नीचे है, फिर आपके पास जो है वो ग्राफ नेगेटिव फॉर्म में। मीन्स के पहले जो है वो आपके पास डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, कुछ इस फॉर्म में डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, फिर जो है वो इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। इट मीन्स के आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लोकल मिनिमम है और यहाँ पे आपके पास क्या है जी, लोकल मैक्सिमम है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे आप लोग इसका आप चेकआउट कर सकते हैं, वाई डबल प्राइम का क्या बिहेवियर है, वाई डबल प्राइम का बिहेवियर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये जी वाई डबल प्राइम पहले यहाँ से ग्राफ यहाँ तक है, पहले यहाँ तक है, यानी कि पहले जब उस लाइन से ऊपर पॉजिटिव फॉर्म में है, पहले पॉजिटिव फॉर्म में, फिर जब नीचे आ चुका, फिर नेगेटिव फॉर्म में आ चुका। इट मीन्स के पहले क्या हो रहा है, पहले कनकेव अप हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव है, तो क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। अब इन चीजों को आप लोग अपने जहन में रखें, इस ग्राफ को इजीली, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, आप उसको ड्रा कर सकते हैं। लाइट बार बार तंग कर रही है, ये तो हाल है हमारे मुल्क का, बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई, क्या किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इन चीजों को अपने जहन में रखे, आप लोग इजीली ग्राफ बना सकते हैं जो कि पॉइंट पी से गुजरना चाहिए। तो देखें सबसे पहले आपके पास क्या हो रहा है जी, पहले आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में है, पहले कनकेव अप हो रहा है, पॉइंट पी से गुजर रहा है, पी से पहले कनकेव अप है, तो कनकेव अप किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा, कनकेव अप किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है जी। आप लोग जिसको यहाँ से कर सकते हैं, इसकी इंक को पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है, ये मिट नहीं रही यहाँ से। तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कनकेव अप की फॉर्म में कुछ इसको इस तरह से कर दें, इस पॉइंट के सामने, लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें, इस पॉइंट के सामने यहाँ पे पॉइंट लगा दें और इसको कुछ इस तरह से गुजार दें जी, ये कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये जी आपके पास यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट नीचे ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे हो रहा है आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप। ये डिपेंड्स ऑन ड्राइंग कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है। उसके बाद इसको ऊपर ले जाएं, उसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है, ये जी कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, इस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने, यहाँ पे इस पॉइंट के सामने तकरीबन, यहाँ पे लगा दें आप एक पॉइंट लगा दें इसके ऊपर सामने, और इसको गुजारते हुए, यहाँ से गुजारते हुए, यहाँ से इस तरह कर दें, ठीक है जी। आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला पॉइंट है, इसके सामने आपने पॉइंट लगाना है, बस ये बात आपने जहन में रख ली, ठीक है जी। ये जी आपके पास यहाँ पे लोकल मैक्सिमम, जो मैं यहाँ पे लगा दूँ लोकल मैक्सिमम,
और ये जो आपके पास यहाँ पे लोकल मिनिमम, यहाँ पे हो रहा कनकेव अप और यहाँ पे हो रहा कनकेव डाउन। ये जी कंप्लीट हमारे पास ग्राफ क्वेश्चन नंबर 74 का, सिंपल है, इजी है, कहीं से आपको समझ नहीं आए दोबारा रिवर्स करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मजीद क्यूरीज के लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हैंड रिट नोट्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग चेकआउट करेंगे इसका, ये है जी आपके पास जो ब्लू लाइन में, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका बिहेवियर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये लाइन से नीचे है, पहले यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है इस, ये लाइन से नीचे, इट मींस कि सबसे पहले जो है वो वाई प्राइम पहले नेगेटिव फॉर्म में है, पहले डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद जो फिर यहां से लेके यहां तक ये लाइन से ऊपर, इट मींस यहां पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, इट मींस कि यहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि पहले जो है वो आपके पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो नेगेटिव है, नीचे है, फिर ऊपर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब आप लोग करते हैं कुछ इस फॉर्म में, इसका आपके पास जब ग्राफ बनता है, और ये है जी इसका लोकल मिनिमम, ठीक है जी, ये इसका लोकल मिनिमम होगा, ये है बिहेवियर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी तरह से आप उसके सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर चेकआउट कर सकते हैं, वाई डबल प्राइम इक्वल टू, अब ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक आपको ग्राफ शो हो रहा है, ये है इसका डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम का ग्राफ। तो पहले ही देखे लाइन से नीचे है, यहां तक ये पॉइंट है, यहां लाइन से नीचे पहले नेगेटिव है, इसके बाद फिर ऊपर है, यहां तक ऊपर है, ये यहां पे डॉट लगा लें, यहां तो ऊपर है फिर पॉजिटिव है, उसके बाद फिर नीचे है फिर नेगेटिव है। इट मींस के पहले क्या हो रहा है, पहले कनकेव डाउन हो रहा है, फिर पॉजिटिव है, फिर कनकेव अप हो रहा है, फिर आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए आप लोगों ने इसका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाया जो पॉइंट पी में से भी गुजरेगा। एक चीज मैं यहाँ पे मैंशन करना भूल चुका, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने नहीं की, वो है जी इसका पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे होते हैं, इसके सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर, एक ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये एक ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे इसकी कनकेविटी चेंज होती है, ठीक है, मैं जब करता हूँ आपको मुझे समझ आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं 73 की बात करूं, तो यहां पे हमारे पास ये हिस्सा इसका सेकंड डेरिवेटिव, यहां पे इसका पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी पॉइंट के सामने ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है। इनके कनकेविटी क्या चेंज हो रही है, पहले आपके पास हो रहा है कनकेव अप है, सॉरी पहले कनकेव डाउन है फिर कनकेव अप है, ठीक है जी, कनकेविटी इसको कहते हैं चेंज होना। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, क्वेश्चन 74 में भी बात करूँ, तो ये आपके पास है जी इसकी सेकंड डेरिवेटिव की लाइन, और यहाँ पे आपके पास है जी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के सामने ये देखिए ग्राफ, थोड़ा सा आप इसको आगे कर लें, मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोग, ताकि आपको समझ आए, इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइंग। ये देखें यहां पे आप लोगों को चीज को इस तरह करेंगे, थोड़ा आगे ले जाएं, इस तरह कर लें, नो प्रॉब्लम। इसके सामने लेट्स सपोज ये पॉइंट है, यहां पे इसकी कनकेविटी चेंज हो रही है, पीछे आपके पास क्या है जी, यहां पे पहले आपके पास कनकेव अप है, उसके बाद कनकेव डाउन है, ये चीज भी आपने अपने जहन में रखनी। इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट बनाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाली लाइन के सामने ये पॉइंट है जहां पे ये लोकल मैक्सिमम है, जहां पे लोकल मिनिमम था, और ये इस पॉइंट के सामने ये है जी इसका बेटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी तरह यहां पे ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और आप देखें जी हम इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉइंट पी में से गुजरेगा, पॉइंट पी से पीछे तो है कुछ नहीं है, इट मीन्स कि हमने पीछे नहीं जाना, हमने आगे आगे ही रहना, पॉइंट पी से स्टार्ट करें, इस फॉर्म में बनेगा ग्राफ, इस फॉर्म में, जिस तरह ये फॉर्म आपके पास बन रही है। किस पॉइंट में से गुजरेगा, इस पॉइंट में से, ये पॉइंट जो यहां पे लगा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव वाला पॉइंट, यहां में से गुजरेगा। अब देखिए यहां पे यू फॉर्म में या यू शेप में इसका ग्राफ यहां पे बन रहा है। अब आपने इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहां पे इसकी कनकेविटी चेंज होनी है, यानी कि इसी पॉइंट का, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहले क्या होगा, कनकेव डाउन होगा, इसके सामने आप लोग जब कुछ इस तरह से यू फॉर्म भी आपने पहले यू फॉर्म बना लें, इस पॉइंट के ऊपर यू फॉर्म बना लें, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस पॉइंट के ऊपर आप इसकी यू फॉर्म बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये है जी इसकी यू फॉर्म कुछ इस तरह से, उसके बाद ये इसकी यू फॉर्म कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा इस तरह कर ले। अब देखिए यू फॉर्म हमारे पास बन गई है, पहले पीछे आपका कनकेव डाउन हो रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के सामने कनकेव डाउन भी आपने करना है, ये पी पॉइंट पी तक मैंने कनकेव डाउन की फॉर्म में कर दिया, इसके सामने ये, यहां से ये पीछे कनकेव डाउन हो रहा है, इसके बाद ये देखें ये कनकेव अप हो रहा है, इसके बाद फिर इस पॉइंट के सामने फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर आगे इसको क्या कर दें, फिर आप इसको कनकेव डाउन की फॉर्म में कर दें, फिर कनकेव डाउन है तो फिर आप इसको कनकेव डाउन की फॉर्म में कर दें, ठीक है। ये सारी चीजें आपने अपने जेहन में रख के फिर इसको ग्राफ को आपने बनाना होता है। यू फॉर्म में बना दी है, इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के सामने
पहले कनकेव डाउन कर दे पी तक, इसके बाद एंड पे फिर कनकेव डाउन कर दें और यहाँ तक क्या हो रहा है सेंटर में क्या हो रहा है कनकेव अप हो रहा है। ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 75। इस तरह हम क्वेश्चन 76 की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन 76 की बात करूँ तो इसमें देखें जी, सबसे पहले आप लोग वाई प्राइम पे बिहेवियर जो ब्लू लाइन है इसका बिहेवियर चेक करें। पहले जो आपके पास जो लाइन से नीचे पहले नेगेटिव है तो लिखें जी यहाँ पे वाई प्राइम इक्वल टू पहले नेगेटिव फॉर्म में, फिर ऊपर है फिर पॉजिटिव है फिर नीचे है फिर नेगेटिव है। इट मीन्स कि नेगेटिव से पहले पॉजिटिव, ये देखें जी पहले नेगेटिव से पॉजिटिव फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव। तो ये देखें जी आज आपके पास लोकल मिनिमम, ये जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये चीज ये बिहेवियर हो गया वाई प्राइम का। अब वाई डबल प्राइम का बिहेवियर भी आप लोग यहाँ लिख सकते हो, वाई डबल प्राइम इक्वल टू ये ब्लैक लाइन पहले जो है वो आप लोग यहाँ तक ऊपर है पहले पॉजिटिव है फिर लाइन से नीचे है फिर नेगेटिव है। मीन्स के पहले आपके पास कनकेव अप हो रहा है फिर आपके पास कनकेव डाउन हो रहा है। अब इन दोनों चीजों को आप लोग जिन में रखकर इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए हम इसका जो सिंपल ग्राफ बना के चेक करते हैं जो कि पॉइंट पी में से गुजरेगा, उससे पहले आप लोग जब इसके पॉइंट्स भी लगा लें। आपके पास पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ये है जी आपके पास, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन रहा है। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली लाइन है इस पर ऑब्वियसली जो सबसे पहले इस पर बनेगा आपके पास ये नीचे है लोकल मिनिमम बनेगा, इस पॉइंट के सामने आपके पास लोकल मैक्सिमम बनेगा और ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे इसकी कनकेविटी चेंज होगी। तो पॉइंट पी में से गुजारना पहले कनकेव अप हो रहा है, कनकेव अप की फॉर्म में कर दें जी है जी आपके पास। कनकेव अप किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, इस फॉर्म में होगा। फिर आपके पास जो है वो यहाँ से इस पॉइंट के सामने फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, यहाँ पे आपने कनकेविटी चेंज करनी है। ये पास ये यहाँ पे जगह थोड़ी इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, गौर से देखें पहले कनकेव अप की फॉर्म में। लेट्स सपोज इस पॉइंट के सामने आप लोग यहाँ पे लगा दें, ये पॉइंट लगा दें, इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट लगा दें, इसको कनकेव अप की फॉर्म में कर दें, इसको मजीद नीचे कर लेते हैं यहाँ पर कनकेव अप इस तरह कनकेव अप की फॉर्म में कर दें जी। ये जी हमारे पास कनकेव अप की फॉर्म में होगा, यहाँ पे कनकेव अप की फॉर्म में हो गया, इसके सामने ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके बाद फिर आपके पास क्या होगा, कनकेव डाउन की फॉर्म कुछ इस तरह से होगा और इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट लगेगा, इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट लगेगा। दोबारा बात को समझने की कोशिश करें, इस फॉर्म में मैंने ग्राफ बना दिया, इस फॉर्म में करके फिर इस फॉर्म में कर दिया फिर नीचे को कर दिया। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के सामने ये है जी आपके पास लोकल मैक्सिमम, ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम और ये है जी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप हो रहा है, उसके बाद कनकेव डाउन हो रहा है, पहले अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है। ये कंप्लीट समझने वाली कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल सी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 76 भी हमने कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश की है, इजी वे में आपको समझ आ जाए। अच्छा लगता है इसको लाजम सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। मजीद क्वेरीज के लिए आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।